हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में कुछ एग्जांपल्स रहे हैं जो आपके सिलेबस में है सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस का। सिलिकॉन्स का अपन देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या देखेंगे, ये बना कैसे हैं, क्या कि कौन कौन से इसके अंदर एलिमेंट्स यूज होते हैं, कैसी इसकी संरचना रहती है, क्या ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अलावा इनकी कुछ अलग स्ट्रक्चर होती है या नहीं, और देखने वाले हैं कि इसका सिंथेसिस किस तरीके से किया जाता है और साथ में कुछ यूजेस। जैसे अपन ट्वेल्थ में पॉलीमर्स देखते थे तो उसके अंदर ये देखते थे कि उसकी संरचना कैसी होती है, किससे मिलकर बना हुआ होता है, किससे बनाया जा सकता है, ये है ना। तो आज भी अपन यही देखने वाले हैं। तो आपका है फर्स्ट है जो आपका पॉलीमर्स है वो है आपका इनऑर्गेनिक पॉलीमर। इनऑर्गेनिक पॉलीमर में सिलिकॉन्स का है, सिलिकॉन्स को अगर देखेंगे पहली बात आती है कि सिलिकॉन्स कहते किसे हैं, क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर। तो सिलिकॉन्स के अंदर होना चाहिए आपके कार्बन, साथ में सिलिकन और ऑक्सीजन। अगर इनसे मिलकर जो जो आपका यौगिक बना हुआ है या जो पॉलीमर्स बने हुए हैं उन्हें सिलिकॉन्स कहा जाता है। देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन को अपन काउंट नहीं करते क्योंकि सबको पता है कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए केवल हाइड्रोजन को ही यूज़ किया जाता है। ओके, तो अपने पास सिलिकॉन्स के लिए क्या होना चाहिए, सिलिकन प्रेजेंट होना चाहिए प्लस कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए और ऑक्सीजन प्रेजेंट। अगर इनसे मिलकर कोई पॉलीमर बना हुआ है उसे सिलिकॉन्स कहा जाता है। ओके, सिलिकन आपका कार्बन पे मिलेगा है इसीलिए इसकी भी वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो इससे जुड़ा हुआ होगा कार्बन, यानी कोई एल्किल समूह जुड़ा हो सकता है या एरोमेटिक समूह जुड़ा हुआ हो सकता है, दोनों प्रकार की पॉसिबल हैं। और यहाँ क्या होंगे, ऑक्सीजन्स जुड़े हुए हो सकते हैं। ओके, इस तरीके के पॉलीमर्स को अपन क्या कहते हैं, सिलिकॉन्स कहते हैं। तो आपके सिलिकॉन्स की स्ट्रक्चर किस तरीके से जुड़ी हुई होगी, कैसे बनाए जाते हैं। जैसे ऑर्गेनिक पॉलीमर में आपकी केवल एक सीधी चेन होती है, यानी कि चेन ही होती है, उसके अंदर कोई भी ब्रांचेस नहीं होती है। जबकि इनऑर्गेनिक पॉलीमर है आपका ये, तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में क्या होगा, इनऑर्गेनिक पॉलीमर क्या था आपका, एकदम मजबूत था, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलीमर होता है ये। और जबकि ऑर्गेनिक पॉलीमर क्या था, वीक पॉलीमर होता है। तो अपने ये स्ट्रॉन्ग पॉलीमर बनेगा कैसे, या हो सकती है इसकी चेन, इसकी संरचना किस तरीके की होती है, स्ट्रक्चर आपकी बेसिकली इसमें 3 प्रकार की पॉसिबल है। फर्स्ट आपकी चेन, एक सीधी चेन बना सकता है, स्ट्रेट चेन। दूसरी है आपके इसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, क्रॉस बॉन्ड हो सकते हैं, क्रॉस बॉन्ड हो सकते हैं। और थर्ड है आपका एक तरीके से आपके एक साइक्लिक चेन बना, साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है। तो 3 प्रकार की संरचनाएं होती है सिलिकॉन्स की, जिससे इन दोनों की सबसे ज्यादा मजबूती होती है जबकि इसकी कम मजबूती होती है। ओके, अब बात आती है कि बना किससे है, किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, कैसे बनाया जाता है, इसका सिंथेसिस किस तरीके से किया जाता है, वो है आपके। अगर अपन सिलिकॉन क्लोराइड का जल अपघटन करवा दें तो क्या प्राप्त होगा, जल अपघटन करवाने पर अपने पास सिलिकॉन प्राप्त होते हैं, ऐसा ही O2 प्राप्त होता है। ऐसा ही O2 की अपन रिएक्शंस करवा सकते हैं, या तो अपने को एल्किल सिलिकॉन बनाना है तो एल्किल समूह के साथ करवा सकते हैं, और अगर एरोमेटिक के साथ करवाना है तो एरोमेटिक के साथ भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके की संरचना है। अब इसका फर्दर क्या करवा सकते हैं, जल अपघटन करवा सकते हैं, जल अपघटन करवा के इसका फिर से अपन वापस से सिलिकॉन प्राप्त हो सक करवा सकते हैं, जिसके अंदर कार्बन भी प्रेजेंट होगा, यानी कि इसकी फिर से वापस RCl2 के साथ रिएक्शन करवा दें, तब अपने को क्या प्राप्त होता है, सिलिकॉन्स प्राप्त होता है। जैसे अगर इसकी मैं MCl के साथ रिएक्शंस करवाएं, किसके साथ, SiO2 की, है ना, तो बनेगा क्या अपने पास, यहाँ से Si और इसमें वाटर भी प्रेजेंट है,
जल अपघटन करवा रहे हैं साथ में, तो बनेगा क्या इससे SI Me, दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं अपने को, तो Me2 और ये OH2। ओके, इस तरीके से आपके फॉर्मेशन होता है। यहाँ से SCl रिमूव हो सकता है बाहर। ओके, तो अब इससे जो बनेगा आपके वो होगा आपका Me, इसकी संरचना हो गई SI Me और यहाँ से OH बनेगा। अब यहाँ से क्या हो सकता है, वाटर फिर से रिमूव हो सकता है। ये लो वाटर रिमूव करवा दिया, तो वाटर रिमूव करवाने के बाद में होना चाहिए कि अपने पास क्या मिलना चाहिए, Me SI Me डबल बोन O, ये मिलना चाहिए। बट इसके अंदर क्या होता है, इनका डाइमराइजेशन होता है, इन प्रकार की संरचनाओं का डाइमराइजेशन होता है। जैसे अपन एल्युमिनियम क्लोराइड का देखा जाता है कि डाइम और डाइबोरोन का देखा जाता है, वो एक डाइमर रूप के अंदर पाए जाते हैं, तो इसी प्रकार से ये भी किस में पाए जाते हैं, डाइमर रूप के अंदर पाए जाते हैं। इनका डाइमराइजेशन करने पर कैसे प्राप्त होती है संरचना, इनका डाइमराइजेशन किस तरीके से किया जाता है, SI Me फिर से OH, फिर से यहाँ हो गया Me और यहाँ कर दो OH, दूसरे स्ट्रक्चर वो ले लो सेम SI OH Me और ये हो गया फिर से Me और यहाँ हो गया OH। यहाँ से वाटर रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा तो इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कैसी होगी आपकी, डायमंड होगा, वो सिलिकॉन्स का डायमंड होता है। ओके, तो ये होगा आपका सिलिकॉन का डायमंड, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन और Me और ये हो गया OH Me और ये हो गया फिर से Me और ये हो गया OH। अब इस तरीके से अगर अपन और भी का यूनिट्स एक साथ ऐड करते जाएं सिलिकॉन्स की, तो वो एक चेन के रूप में बना लेगी, इससे चेन बन जाएगी, एक लंबी सी चेन बन जाएगी, जिससे जो प्राप्त होगा वो आपका श्रृंखला युक्त सिलिकॉन्स प्राप्त होंगे। ओके, श्रृंखला युक्त सिलिकॉन्स इस तरीके से बनाए जा सकते हैं आपके। और इसमें जो होता है आपके, जब आपके सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, ये जो बॉन्ड होता है आपका सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत बॉन्ड माना जाता है, इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है तो ये सबसे ज़्यादा मजबूती इसी की वजह से आती है। यानी कि सिलिकॉन और अगर कहीं भी ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है तो सबसे पहले उसे ही बनाना होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। उसी तरीके से अगर आपके फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है, वो भी आपका क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सॉरी फॉस्फोरस ये भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये बॉन्ड भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस तरीके से इन बॉन्ड्स की बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है। अब इनकी संरचना तीन प्रकार की अपने संरचना देखी, एक देखी ओपन चेन संरचना, नेक्स्ट है अपने पास क्रॉस बॉन्डेड युक्त, है ना, और थर्ड होगी आपकी साइक्लिक समूह संरचना। ओके, और जो आपके ये इसकी संरचना और किस तरीके से बना सकते हैं, आप लीनियर स्ट्रक्चर बनानी है सिलिकॉन्स की, सिलिकॉन्स के लीनियर स्ट्रक्चर बनेंगे आपके, सिलिकॉन हो गए ऑक्सीजन, फिर से सिलिकॉन हो गए, फिर से ऑक्सीजन, फिर से सिलिकॉन हो गए और यहाँ हो गए Me हो गए, यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ फिर से Me हो जाएगा और यहाँ Me हो जाएगा और ये हो गया Me और ये हो गया आपका OH। इस तरीके से आपके एक लीनियर संरचना बन जाएगी, यानी कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ ऐड हो जाते हैं, n मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ ऐड होंगे तो आपकी जो बनेगी स्ट्रक्चर वो होगी आपके लीनियर सिलिकॉन्स कहलाते हैं। लीनियर सिलिकॉन्स को और किस तरह SI R यहाँ से Cl ऐड कर दो, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाते हैं, तो वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या होगा, दो मॉलिक्यूल कह रहे हैं यहाँ से, तो HCl टू HCl तो रिमूव हो जाएंगे अपने और दोनों OH यहाँ आके ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गए आपके OH OH
और ये हो गया आर आर आर, यहाँ है एल्किल समूह। और अगर इसी की अपन रिएक्शन किसके साथ करवाए, पीएच यानी कि यहाँ अगर एरोमेटिक समूह जुड़ा हुआ है, पीएच यानी कि आपके बेंजीन समूह जुड़ा हुआ है, तो आपके क्या होगा, एरोमेटिक सिलिकॉन्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब अपने को क्या करना है, इसकी रेखीय संरचना बनानी है, वो किस तरीके, सॉरी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है सिलिकॉन्स की, तो वो किस तरीके से बनाई जा सकती है आपके, यही है सेम सिलिकॉन, तो लेकिन इसी को अपने को कन्वर्ट करना है साइक्लिक के अंदर। तो क्या कर सकते हैं अपन, अपने को पता है कि अपने पास जो सिक्स मेंबर रिंग होती है वो सबसे ज्यादा स्थाई होती है। ओके, सिक्स मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्थाई होती है, फिर फाइव मेंबर होगी, फिर आपके थ्री एंड फोर होती है, थ्री सबसे ज्यादा स्थाई, जब फोर और थ्री का कंपेयर किया जाता है तो थ्री सबसे ज्यादा स्टेबल होती है फोर से। ओके, और जबकि आपके बेयर के रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, बेयर सिद्धांत के अकॉर्डिंग, तो क्या होता है कि सिक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फाइव देन थ्री फोर एंड थ्री, ये रिंग्स आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। बट रियल में देखा जाता है इनका ऑर्डर, तो आपकी क्या होता है, थ्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, फिर फोर होती है, तो सिक्स से स्टेबल होती है फाइव से, और इसमें क्या होता है, थ्री स्टेबल होती है। ओके, तो इन ये प्रोसेस जब आपको जब रिंग बनाना हो, ये चीज़ आप काम लेते हैं, आपको यूज़ करना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट आपके पास ये ऑर्डर यूज़ करना होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अपन ये ऑर्डर यूज़ करते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अपन ये रूल्स यूज़ करते हैं। ओके, अब जो अपन बनाएंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर वो किस तरीके से बनाई जा सकती है आपके, जैसे सिलिकॉन था, MeA हो गया, MeA हो गया, दो OH जुड़े हुए थे अपने पास, लगा दो OH, फिर से अपने पास क्या था, Me था, सॉरी सिलिकॉन था, सिलिकॉन में OH था, और ये हो गया आपका Me, और ये हो गया OH। इस तरीके से बनाया जा सकता है, वापस से सिलिकॉन को ऐड करना है, तो ये हो गया OH, ये हो गया OH, और ये हो गया आपका Me, और ये हो गया Me। अब इससे क्या हो गया, तीन मॉलिक्यूल्स वाटर के रिलीज हो सकते हैं, तीनों मॉलिक्यूल्स के वाटर को रिलीज करने पर जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगी वो होगी आपकी इस तरीके से, सिलिकॉन Me, ऑक्सीजन, और ये हो गया फिर से सिलिकॉन, और ये हो गया ऑक्सीजन। यहाँ क्या है आपका, मेथिल समूह ऐड। ऐसी संरचना का अगर निर्माण होती है कहीं, तो वो होती है आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है, तो वो स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। लीनियर स्ट्रक्चर के कंपेयर करें अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर को, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। अब आती है क्रॉस बॉन्डेड कैसे बनेंगे आपके। ओके, ये तो हो गया आपका साइक्लिक सिलिकॉन्स। अब बनाना है अपने को एक क्रॉस बॉन्डेड युक्त सिलिकॉन, जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, क्योंकि उसके अंदर एक नेटवर्क नेट की तरह उसके अंदर बॉन्डेड होते हैं। ओके, अब आपके जो बनेगा उसमें क्या होगा, आपके सिलिकॉन को मान लो उसके अंदर केवल एक एरोमेटिक समूह ही प्रेजेंट है, या एल्किलिक समूह ही प्रेजेंट है, तब क्या करेंगे, उसके अंदर Me है, मान लो यहाँ OH है, यहाँ भी क्या है OH प्रेजेंट है, दूसरा मॉलिक्यूल ऐड होगा इसके अंदर SI है, OH है, और उसमें भी OH ही होगा, तो जो दूसरा होगा उसमें भी यहाँ क्या होगा OH प्रेजेंट होगा, यहाँ भी OH प्रेजेंट होगा, और यहाँ भी Me प्रेजेंट होगा। ओके, तो अब अपनी नेक्स्ट है वो है SI है, OH है, यहाँ से OH हो गया, यहाँ Me हो गया, और ये हो गया आपका, वापस से दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं OH, और यहाँ से OH हो गया, यहाँ Me हो गया, यहाँ से OH हो गया। अब यहाँ से क्या हो सकता है, वाटर रिमूव हो सकता है इन सबसे,
यहाँ से पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से वाटर रिमूव करवा दे अपन, क्योंकि अपने को पता है कि जो सिलिकन और जो डायरेक्ट ऑक्सीजन और सिलिकन का जो बॉन्ड होता है, यानी सिलिकन और ऑक्सीजन का जो डायरेक्ट बॉन्ड होता है वो स्टेबल होता है कंपेरिजन करें इससे SiOH से, ओके। इसकी तुलना में ये बॉन्ड सबसे स्टेबल होता है, जबकि आपका जो OH एड हो जाता है वो आपका वीक बॉन्ड होता है, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा तो कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी आपके, इस तरीके से आपके एक जाल की जाल नुमा संरचना बन जाएगी। ये जाल नुमा संरचना होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होती है, इसीलिए आपके इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की तुलना के अंदर। वहाँ जब अपन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का कंपेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो उसमें था कि आपके पास जो ज्वलनशीलता होती है यानी कि जलने की सबसे ज़्यादा जो प्रकृति होती है वो आपके ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की होती है, जबकि इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स कम जलते हैं। जो अगर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स वह हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है वो सबसे ज़्यादा जलेंगे, क्योंकि सल्फर के जलने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, ओके। तो अपवाद के रूप में अपन बता सकते हैं कि एक्सेप्शन है आपका ये कि जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट होगा वो सबसे ज़्यादा आपके लिए उनकी जलने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी, ओके। जबकि आपके कंप्लीट इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं जो भी जिनके अंदर सिलिकॉन फॉस्फोरस ये सब पाए जाते हैं अदर एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं वो स्ट्रॉन्ग पॉलीमर्स कहलाते हैं, ओके। तो ये तीनों संरचनाएं हमने देखी सिलिकॉन्स की, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इनका सिंथेसिस किस तरीके से किया जाता है, ओके।